चलो वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। बेटा हमने लास्ट क्लास में आपके साथ करा था रिवेल्युएशन अकाउंट, और रिवेल्युएशन के अंदर हमने आपके साथ, मैं आज अब स्पीड को मेंटेन कर लूंगा, हमने आपके साथ डिस्कशन किया था रिवेल्युएशन अकाउंट। और रिवेल्युएशन अकाउंट के अंदर मैंने आपके साथ दो एडजस्टमेंट्स डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। बेटा वो एडजस्टमेंट्स थी, एक थी आपकी ओवर वैल्यूड का मतलब था कि आपने ज्यादा दिखा रखा है तो हमने क्या करना है, कम करना है, बस खत्म हो गया था। एक और एडजस्टमेंट करी थी मैंने, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी अंडर वैल्यूड। ईडी का मतलब था पास्ट, यानी पिछले सालों में आपने कम दिखा रखा है तो इस साल आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। तो ये हमने रिवेल्यूशन अकाउंट में डिस्कस किया था। फिर जाते जाते क्लास के एंड में हमने एक नई बात भी सीखी थी, हमने ये डिस्कस किया था कि हम रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और रिवेल्यूएशन अकाउंट में जैसे यहां पे आता है प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को हम पहले केस में ओल्ड रेशियो में बांटते थे, पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ आपको लास्ट क्लास का। रिवेल्यूशन का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और फिर जब हम बैलेंस शीट बनाते थे, कौन सी बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, तो यहाँ पे जो हमारी असेट्स आती थी या हमारी लाइबिलिटीज आती थी, ध्यान से देखना वो कौन सी वैल्यू आती थी, वो आती थी रिवाइज्ड वैल्यूज। हमने ये डिस्कस किया था बैलेंस शीट के अंदर हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, रिवाइज्ड वैल्यू। और प्रॉफिट किस रेशो में बांटा था हमने, ओल्ड रेशो में। फिर हमने एक और तरीका सीखा था कि सर रिवेल्यूएशन अकाउंट तो बनाया, रिवेल्यूएशन से प्रॉफिट भी आया, बट उस प्रॉफिट को आपने ओल्ड रेशो में नहीं बांटना। मैंने आपको कहा था उस प्रॉफिट से आप ब्रह्मास्त्र चलाओगे, ब्रह्मास्त्र था हमारा गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जैसे ही आपने उस प्रॉफिट से ब्रह्मास्त्र चलाया और उसके बाद जब आप दोबारा से बैलेंस शीट बनाते हो, कौन सी बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट में जो भी यहाँ पे असेट्स आएंगी, आइदर लाइबिलिटीज, बहुत ध्यान से देखना, अगर ब्रह्मास्त्र चला दिया तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो एज इट इज ओल्ड वैल्यूज आएंगी, इट मींस यहाँ पे रिवाइज वैल्यूज नहीं आएंगे। सर नॉर्मली हमें क्या करना है, बेटा नॉर्मली आपने ये करना है, यानी सर जब भी हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, आइदर 5th, आइदर 6th, आइदर 7th, आइदर 8th, इट मींस पूरी पार्टनरशिप में आपने ये करना है फर्स्ट केस। बट अगर क्वेश्चन आपको चीख चीख के इंग्लिश में बोल दे, याद करो मैंने रेड पेन से लिखा था, क्या बोल दे, ये बोल दे कि ओल्ड वैल्यूज, ये लाइन लिखी आ जाए, ओल्ड वैल्यूज रिमेन सेम इन न्यू बैलेंस शीट, अगर ये लाइन पेपर में लिखी आ गई, देन ओनली आपने ये वाला ब्रह्मास्त्र चलाना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। होप ये हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया, मैं आगे लेके चलता हूं आपको, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब सर प्रॉफिट एंड गेन में क्या डिफरेंस होता है, एक क्वेश्चन आया बच्चे का, सर प्रॉफिट एंड गेन में क्या डिफरेंस होता है। बेटा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है क्वेश्चन, बट स्टिल आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं।
ये सारी बातें 11th की हैं बेटे, 11th की बातें हैं ये। 11th में आप ट्यूशन कहाँ पढ़ते थे? अगर मेरे से पढ़ते थे बहुत अच्छी बात है बेटा। प्रॉफिट और बच्चा कह रहा है गेन में क्या डिफरेंस है? गेन हमेशा होता है जब हम असेट्स को बेचते हैं, असेट्स को सेल करते हैं। असेट को बेचने में जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसे टेक्निकली क्या वर्ड यूज करते हो? गेन। अब जब नॉर्मल आपका बिजनेस होता है, जो नॉर्मल हम 11th में पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस है। नॉर्मल बिजनेस का मतलब है आप क्या बेच रहे हो? आप अपना स्टॉक बेच रहे हो। अगर आप नॉर्मल अपना स्टॉक बेचते हो और उससे जो भी आपको मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। आपने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया, बट स्टिल आप पेपर में प्रॉफिट वर्ड भी यूज करना। सर, असेट सेल करते हैं का मतलब होता है नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन। बेटा ये बुक की लैंग्वेज है, नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन। नॉन रिकरिंग का मतलब जो साल में बार बार नहीं होती। जैसे असेट हम बार बार नहीं बेचते हैं, तो इन चीजों से जो होता है उसे क्या बोलते हैं? गेन। समझ आ गया बेटा जिसका डाउट था? मैं अब आगे चलता हूं। आगे हम उस टॉपिक पे लेके चल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपके साथ फिर एडजस्टमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। बहुत टाइम लगा दिया है रिवॉल्यूशन पे भी। आप मुझे, आप सब बच्चे बताएंगे, मैं बस यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे कि सर ये रिवॉल्यूशन में कहाँ आएगा? बैलेंस शीट बेटा, रटना मत बस अकाउंट्स में। बार बार एक छोटी सी बात है, रटना नहीं। यहाँ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 40,000 बेटा। बैलेंस शीट का एक और भी नाम होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज दोबारा से बता देता हूँ। बैलेंस शीट का मतलब होता है बुक वैल्यू, यानी जो भी आइटम्स अपीयर बैलेंस शीट में हैं, उसको क्या बोला जाता है? बुक वैल्यू। यानी हमारी 40,000 की इन्वेस्टमेंट है और बैलेंस शीट में ये साइड होती है डेबिट, नीचे एडजस्टमेंट। बेटा आज फिर पता लग जाएगा कितने बच्चों ने अभी तक रिवेल्यूएशन रट रहे थे। लो क्वेश्चन ध्यान से। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड बेटा, मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी एट रुपीज 30,000। मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी 30,000 बेटा। स्टार्ट हो जाओ, आप बताओगे मुझे आंसर रिवेल्युएशन में कितना आएगा और आएगा कि नहीं आएगा, सोच समझ के बेटा। पहला आंसर मंथन, इन्वेस्टमेंट का होगी ना बेटा, ये खतरनाक इंग्लिश लिख रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट का होगी ना, ये बात मुझे नहीं समझ आई आपकी। विमन्यु कह रहा है सर 10,000 से क्रेडिट होगी। पार्थ गुलाटी 10,000 से डेबिट होगा। खुशी डेबिट 10,000 से। साक्षी मंथन कैश टू इन्वेस्टमेंट अक्षत 10,000 डेबिट। शिफा आर्यन परीक्षा डेबिट। रिद्धि डेबिट। प्रियांश डेबिट। हर्षिता डेबिट। बेटे सारे स्टूडेंट्स आंसर दें, सिंपल है। आर्ची डेबिट। नैन्सी। मेघा। हितेश। सार्थक। सौरभ डेबिट। बेटे सारे स्टूडेंट्स के आंसर ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 40,000 की इन्वेस्टमेंट कीर्ति डेबिट। 40,000 की इन्वेस्टमेंट 30,000 में बेच दी। मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कितने का नुकसान हो गया? आप बच्चों ने कहा नुकसान हो गया 10,000 का।
बेटा नुकसान हो गया, और आपको पता है सारे नुकसान कहाँ आते हैं, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में मैं यहाँ लिखूंगा टू, इन्वेस्टमेंट। कितने का नुकसान हो गया? 10,000 का नुकसान हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटे, एक स्टूडेंट का आंसर गलत था, मैं उसका भी बच्चे का नाम नहीं ले रहा बेटा, क्रेडिट नहीं होगा, बच्चे ने कहा था 10,000 क्रेडिट होगा। बेटे जिस बच्चे का आंसर गलत था, आप थोड़ा सा समझें, लॉस हो रहा है 10,000 का, तो मैंने सीधा रिवेल्यूशन में कितना डाल दिया, 10,000। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अब मैंने बैलेंस शीट बनाई बेटा, ये नई बैलेंस शीट है। अब आपसे फिर क्वेश्चन, मुझे बताएं नई बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। बेटा फिर आपसे क्वेश्चन, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो दोस्तों, आंसर आ जाना चाहिए। प्रियांश कहता है अक्षत, बेटा मेघा, मंथन, पार्थ। बेटे बच्चे आप आंसर, सिंपल सी बात है, कुछ बच्चों का आंसर ठीक है। बेटा इन्वेस्टमेंट जब बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेच दी तो क्या बैलेंस शीट में आएगी? नहीं आएगी बेटा। कुछ बच्चे अभी भी गलत बता रहे हैं, शिफा, हर्षिता, दाक्षी, विमन्यु, हितेश। बेटा आप प्रैक्टिकल सोचो, अकाउंट्स को रटो मत। इन्वेस्टमेंट बेच दी बेटा, बेच दी तो क्या आएगी इन्वेस्टमेंट? नहीं आएगी। एक बच्चा कह रहा है सर बेची होगी तो हमारे पास पता है क्या आया होगा, कैश आया होगा। हाँ जी, आर्ची, शिफा, विमन्यु, बेटा कैश आया होगा। बेचेंगे तो कैश कितना आएगा? 30,000 का कैश आएगा। मैं तो बहुत सिंपल से एडजस्टमेंट्स करा रहा हूँ आपको। कैश आया, इन्वेस्टमेंट चली गई और नुकसान हो गया। बच्चा कह रहा है सर एक बार इसकी जर्नल एंट्री करा दो तो हमें और समझ आ जाए। जर्नल एंट्री कराने के लिए मुझे आपसे 11th की कुछ बातें करनी पड़ेंगी। बेटा 11th कहता था अगर असेट, हाँ बेटा एक प्रियांश का क्वेश्चन आया अभी वो ले लेते हैं। असेट बेटा 11th की जर्नल एंट्री समझे, असेट अगर असेट इंक्रीज होता था, असेट इंक्रीज होता था तो हम 11th में करते थे डेबिट, और अगर असेट डिक्रीज होता था तो हम करते थे क्रेडिट। बेटे इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैश आ रहा है बेटा, कैश बढ़ रहा है आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आएगा? 30,000, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है, मैंने क्या करा डेबिट। सर क्या जा रहा है? बेटा इन्वेस्टमेंट जा रही, तो इन्वेस्टमेंट को मैंने क्या करा क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर इन्वेस्टमेंट कितने की जा रही है? बेटा पूरी की पूरी 40,000 की इन्वेस्टमेंट चली गई, टू इन्वेस्टमेंट। सर इसके चक्कर में 10,000 का लॉस हो गया, बेटा एंट्री टैली नहीं कर रही थी, 10,000 का लॉस हो गया डेबिट में। लॉस आप डालते थे, ध्यान से सुनो, आप लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट अब उसका नाम चेंज हो चुका है। पता है उसका नाम क्या बन चुका है? उसका नाम बन चुका है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी बिल्कुल सही, बच्चे सही बता रहे हैं। तो बेटा पैसा आया 30,000, लॉस हुआ 10,000 का, इन्वेस्टमेंट 40,000 की चली गई। बेटा एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है सर कैसे पता चलेगा इन्वेस्टमेंट सारी की सारी बिक गई है। क्वेश्चन सार्थक का था, सार्थक देखो यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट बेच दी, कितने में बेच दी? 30,000 में बेच दी। इसका मतलब सर सारी की सारी बेच दी है, कहीं नहीं लिखा थोड़ी सी बेची है, बेटा सारी की सारी बेच दी। एक बच्चा कह रहा है सर ये तो वही वाली बात हो गई, यहाँ पे एट लिखा है, एट लिखा होता या टू लिखा होता? कह रहा सर डिफरेंस देखते हैं, बिल्कुल सही बात बेटे, बच्चों को पुरानी बात भी याद है, एट और टू लिखा होता है तो हम डिफरेंस देखते हैं, 40 और 30 का डिफरेंस आया 10,000, बिल्कुल सही बात बेटा। तो यहाँ पे आगे टू इन्वेस्टमेंट, होप आपको एडजस्टमेंट होप आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा, मैं आगे चलूंगा।
हाँ जी, और किसी का इसमें डाउट नहीं है बेटा। एंट्री कर दी मैंने, रिवेल्यूशन काउंट भी बना दिया। मैं अब आगे चलता हूँ, मैं इसी एडजस्टमेंट को दोबारा लिखूंगा बट किसी अदर वे में, आप समझेंगे। एक और वे में मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ। सेम क्वेश्चन रहेगा हमारा, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं फिर मैं भूल जाऊंगा। अभी 4:30, 4:30 बजे अभी हमारी दोबारा क्लास है, 12th क्लास की दूसरा बैच है। उस बैच में मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कराऊंगा बेटा। अगर मैंने इसकी वीडियो भी बना के दी थी, अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उस वीडियो में क्लियर नहीं था तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर लें। छोटा सा टॉपिक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो जाएगा। सेम आईडी है, सेम पासवर्ड है। आज 4:30, जिन बच्चों का मिस हो गया था, सेम आईडी सेम पासवर्ड। अब हम चलते हैं आगे। ये मेरा दूसरा आ गया। मैंने फिर जरा स्पीड से यहाँ पे बनाई बैलेंस शीट। ये पुरानी बैलेंस शीट है बेटा, ध्यान से समझना इंग्लिश में क्या क्या लिख रहा हूं। मैंने फिर लिखा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिखा मैंने 40,000। नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टुक अवे बाई पार्टनर्स एट रुपीज 42,000 इक्वली। बेटा मैं लाइन रिपीट कर देता हूं। पार्टनर्स, 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी, पार्टनर सारी की सारी टुक अवे, अपने घर ले गए, बराबर बराबर ले गए, मगर पता है कितने में ले गए बेटे, 40 की चीज 42,000 में ले गए। एट का मतलब होता है में, 40 की चीज 42 में ले गए। हाँ जी, आराम से बताएं सर प्रॉफिट है या लॉस है बेटा, अमाउंट के साथ बताओ। हितेश बंधन कह रहा है लॉस है। बंधन कैसी कैसी बातें कर रहे हो बेटा, 40,000 की चीज है 42 में ले गए तो लॉस है। प्रेक्षा अक्षर 2,000 क्रेडिट, राहुल 2,000 क्रेडिट, पार्थ 2,000 क्रेडिट। बेटा अब सर कितने पार्टनर हैं, ये देखो बच्चा एकदम अलग ही पूछता है कि पार्टनर कितने हैं। बेटा मान लो दो पार्टनर हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है विमन्यु, पार्टनर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कीर्ति प्रॉफिट आएगा 2,000। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, 40 की चीज 42 में ले गए तो रिवेल्युएशन के अंदर प्रॉफिट आएगा, बाई इन्वेस्टमेंट रिद्धि 2,000 का प्रॉफिट। बेटा इन्वेस्टमेंट आएगी 2,000 का प्रॉफिट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हाँ बेटा एक बच्चा कह रहा है सर ये तो ड्राइंग्स होगी, बिल्कुल सही बात है बेटा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ साईं विनायक, 40,000 की चीज आप सिंपल एक एग्जाम्पल लेके चलो बेटा, प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ये एक फर्म है हमारी, ये फर्म है, फर्म के पास एक असेट है बेटा, आप समझना, फर्म के पास एक असेट है 100 रुपए की। ये असेट फर्म की है, जिन बच्चों को अभी भी डाउट है। हाँ जी विमन्यु आपको समझ आ गई है, 100 रुपए की असेट थी फर्म की, और ये एक पार्टनर है बेटा, ये दो पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर इस असेट को अपने घर ले गए, और कितने रुपए में ले गए, 120 रुपए में ले गए। बेटा आप फर्म के अकाउंट्स बना रहे हो, आप ये सोचा करो, आप फर्म के अकाउंट्स बना रहे हो, फर्म की 100 रुपए की चीज
पार्टनर कितने में ले गए? 120 रुपए में। तो फर्म तो बहुत खुशी खुशी भूलेगा मेरी 100 रुपए की चीज, मालिक ले गए 120 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपए का ये प्रॉफिट हुआ फर्म को। वो बात अलग है जब पार्टनर लेके जाते हैं तो उनको हम पता है क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। मैं तो अभी प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा हूँ बेटा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2000। और पार्टनर्स की अगर हम ड्रॉइंग्स की बात करें तो पार्टनर बराबर बराबर ले गए, यानी 21,000 की ड्रॉइंग्स हो गई वरुण की और 21,000 की ड्रॉइंग्स हो गई गौरव की। खत्म हो गई बात। 120 रुपए में लेके गए हैं तो बेटा पार्टनर्स को 120 रुपए ही फर्म को देने पड़ेंगे, या तो ड्रॉइंग्स मान लो या पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात होती है, इतना आप कंफ्यूज मत हो बेटा, सेल होती है ये। बस बेच किसको रहे हैं? मालिक को बेच रहे हैं। वैसे हम बेचते हैं बाहर वालों को। तो सिंपल, आपको तो बेटा प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचना है। इतना कंफ्यूज मत ही हुआ करो बेटा, आप बहुत सिंपल पॉइंट से सिर्फ नुकसान फायदे की बात करो, खत्म। इतना सोचने की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे। लो एक, अभी अभी एक दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करा मेरे बेटा, सोचना। ये लो मैं इसमें रफ शीट पे करके दिखाता हूँ। ये बैलेंस शीट है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है, ये आज तक कभी पेपर में आया नहीं, इसलिए 2021 के सीबीएसई बोर्ड में आएगा। हाँ जी कंफर्म बेटा, 2021 के क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि सीबीएसई अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं जहां तक हम पहुंच चुके हैं। ये लो डेटर्स हैं हमारे 10,000 के। कितने मार्क्स का बच्चा कह रहा है, कितने मार्क्स का आएगा? हाँ, दूसरा बच्चा कह रहा है सर कौन से सेट में आएगा? एकदम बेटे, दिमाग की कमी नहीं है इसका मतलब, दिमाग तो सबके पास ठीक है, बस खुराफातों में चलता है। सेट बताओ तो सर। डेटर्स 10,000। एक बच्चा कह रहा है मैं भी यही सोच रहा था सर, सेट भी बता दो। बेटा यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं बेटे, 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा रिवेल्यूशन का, सेट बाद में बताएंगे। सर पेपर आप बनाते हो, देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। बेटा बताना नहीं है ये बातें बाहर कि पेपर मैं बनाता हूँ कि नहीं। लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के, उनसे कभी आपका रूबरू कराएंगे, वो आपको बताएंगे कि हाँ मैंने पेपर की चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी। बिल्कुल फ्रेंड्स, वापस आओ बेटा, वापस आओ, जितनी मर्जी बातें करा लो ऐसी। तो बेटा डेटर हैं 10,000। डेटर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, 10,000 हमें लेने होते हैं, डेटर से पैसा आपको मिलता है। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्हें आपको पैसा देना होता है। इनको हमें पैसा देना था 9,800। पहले हिंदी में समझ लो, डेटर से पैसा लेना होता है और क्रेडिटर्स को पैसा पे करना होता है। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है, क्या लिखा है? ड्यू टू बेटा एडजस्टमेंट, ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू वायरस डेटर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स सेटल्ड, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स सेटल्ड अमंग देमसेल्व्स। बेटा डेटर और क्रेडिटर आपस में सेटल्ड हो गए। सेटल्ड का मतलब होता है फुली सेटल्ड। जल्दी बताएं हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? छोटी छोटी सी बात, फुली सेटल्ड हो गया आपस में। मंथन कह रहा है सर 200 रुपए का आपको फायदा हो गया। अक्षत कह रहा है लॉस हो गया। प्रियांश, सौरभ कह रहा है लॉस हो गया। एक बच्चा कह रहा है प्रॉफिट हो गया, बाकी बच्चे कह रहे हैं लॉस हो गया। और बताएं मुझे बेटे, वो बच्चा कहाँ गया? प्रॉफिट वाला बच्चा कहाँ गया? हाँ बेटा ये मंथन, मंथन कह रहा था सर क्रेडिट करेंगे, बाकी सब बच्चे कह रहे हैं डेबिट होगा।
बेटा मंथन, आप ही पूछ रहे थे सेट कौन सा आएगा। देखा, क्वेश्चन पेपर में आया और आपका गलत हो गया बेटा। बाकी स्टूडेंट्स, आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। 10,000 लेने थे, 9,000 में सेटल हो गया। इट मींस आपको 200 रुपए का बेटा लॉस हो गया, क्योंकि आपको मिलते, देखो ना, 10,000 मिलते प्लस, और जाते कितने, 9,800 जाते, तो 200 रुपए मिलते। अब वो मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि फुली सेटल्ड हो गए। इट मींस फाइनली आपको लॉस कितने का हुआ, 200 का लॉस हुआ। हाँ, अब बच्चा कह रहा अच्छा समझ आ गया। बेटा सेट बी में आएगा, मैं और भी बता देता हूँ आपको सेट बी के अंदर। जल्दी बताओ एक और क्वेश्चन आपसे। बैलेंस शीट में बेटा डेटर कितने के आएंगे और क्रेडिटर कितने के आएंगे? बैलेंस शीट में डेटर्स और क्रेडिटर्स कितने के आएंगे? नील। बेटा बैलेंस शीट में डेटर्स और क्रेडिटर्स नहीं आएंगे बेटा, नील। सही बात है, सबका आंसर ठीक है। बेटा एक क्वेश्चन बच्चे का अच्छा था, वो मैं इसमें पढ़ लेता हूँ। बैलेंस शीट में बेटा नहीं आएगा, इसका आंसर है नहीं। हाँ, कीर्ति का क्वेश्चन आया है सर, इसको लिखेंगे किस नाम से? बेटा ये अच्छा पॉइंट पूछा था बच्चे ने, ये कह रहे हैं कि सर इसको किस तरह से लिखेंगे। बेटा इसको लिखेंगे आप डेटर के नाम से लिखना, क्योंकि डेटर के अंदर 200 रुपए बचे थे, तो डेटर के नाम से लिखना। बच्चा कह रहा है सर बैलेंस शीट में क्यों नहीं आएगा, बैलेंस शीट में क्यों नहीं आएगा? फुली सेटल्ड। बेटा फुली का मतलब है खत्म। बेटा अब आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो चुका है। एक बच्चा कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसका स्टूडेंट का नाम है परीक्षा। परीक्षा कह रही है सर इसकी एंट्री करके बताओ, जनरल एंट्री। बेटा एंट्री तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, अब आप बच्चों को भी सिखा देते हैं। टू बेटा बैलेंस शीट में डेबिट होता है, ये साइड होती है क्रेडिट। बेटा अब आप बच्चे समझदार हो, देखते जाओ जनरल एंट्री कैसे होगी। डेटर्स क्या हो रहे हैं, डेबिट, और हमारे डेटर हो गए खत्म, फुली सेटल। बेटा डेटर खत्म, डेबिट है। डेटर खत्म करने के लिए आप क्या करोगे सर? डेटर खत्म करने के लिए आप क्रेडिट कर देना, क्योंकि पहले डेबिट हो रहे थे, अब क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट। कितने से क्रेडिट कर देना सर? 10,000 से। ठीक है सर, डेटर खत्म हो गए। इधर आते हैं बेटा, एंट्री करना जरूर सीखे हैं आप 12th में। क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। इन्हें भी खत्म करो। इन्हें खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा सर? इन्हें खत्म करने के लिए आप क्रेडिटर्स को क्या कर दोगे? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को बेटा कीर्ति ध्यान से समझो, आप गलत हो गया। क्रेडिटर्स क्रेडिट हो रहे थे 9,800 से, मुझे तो खत्म करने हैं, सेटलमेंट हो गया। खत्म करने का मतलब होता है उल्टा कर दो, मैंने इसको डेबिट कर दिया 9,800 से। सर ये एंट्री टैली नहीं हो रही बेटा, वही तो बताया था 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो लॉस है। और उस लॉस का पता है क्या नाम है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा आप सबने आज क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे हैं। परीक्षा, कीर्ति, प्रियांश, ये सब बच्चों के क्वेश्चंस अच्छे आए हैं। बेटा जितना डिटेल में पढ़ रहे हैं उतना डिटेल में रिवाइज भी किया करो। बहुत सिंपल फंडा है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हाँ जी, कीर्ति को भी समझ आ गया है बेटा। और किसी का डाउट? विमन्यु आप कुछ पूछ रहे थे बेटा, डाउट्स बताएं। रिवॉल्यूशन में 200 रुपीज अभी भी दिख रहा है, तो बस मैं बैलेंस शीट में दिखाएं कि नहीं दिखाएं? आ गया समझ, विमन्यु कह रहा है समझ आ गया। बेटा रिवॉल्यूशन का तो नुकसान है, मैंने आपको एंट्री करके दिखा दी है, बहुत इजी एंट्री है, डेटर्स सेटल्ड हो गए। बच्चा क्या कहना चाहता है एक बार सुन लेते हैं। रिवॉल्यूशन में 200 रुपीज अभी भी दिख रहे हैं, तो बैलेंस शीट में दिखाओ ना। बेटा रिवॉल्यूशन के अंदर प्रॉफिट और लॉस आता है, तो बैलेंस शीट में कैसे दिखा दें? इसका मतलब है डेटर खत्म हो गए, 200 रुपए से डेटर खत्म हो गए, तो बेटा बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, पूरे के डेटर सेटल्ड हो गए। हाँ जी, स्टिल बेटा कुछ बच्चों को लगता है कि 200। बच्चा कह रहा है सर डेटर्स 200 से दिखाओ। प्रियांश बात समझो, इस वर्ड को समझो, फुली सेटल्ड। बेटा फुली सेटल्ड का मतलब है हिसाब किताब खत्म। इसका मतलब ये नहीं है
कि 9,000 के डेटर्स और 9,000 के क्रेडिटर्स आपस में सेटल हुए हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है। फुली सेटल्ड का मतलब होता है 10,000 के डेटर और 9,000 के क्रेडिटर्स ये सेटल हुए हैं, और ये आपस में सेटल हुए हैं इसलिए आपको 200 रुपीज का लॉस हुआ है। एनीवेज स्टिल डाउट्स होंगे तो हम अपने संडे वाली क्लास में लेंगे बेटा। अभी क्लास 3 मिनट्स में हो जाएगी ओवर। आप सबने क्या करना है, मुझे अभी और भी एडजस्टमेंट्स करानी है रिवेल्यूएशन की। आप जैसे ही क्लास ओवर हो इसको रीजॉइन करना, फिर मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू कराऊंगा कि सर और क्या क्या एडजस्टमेंट्स थी। तो बेटा ये यहाँ पे होगी बात खत्म। अब हम चलते हैं आगे अपनी एडजस्टमेंट्स से रिलेटेड।